आती हैं और अब लोग काफ़ी आपके एक्टिंग है जो आपके किरदार है काफ़ी पसंद कर रहे हैं, एक बार फिर धर्म लुक में आप आ रही हैं अपने इस किरदार को लेकर, अपने इस न्यू लुक को लेकर क्या कहना चाहेंगी मैम किस तरह का, जिस तरह से आज फर्स्ट डे है शूटिंग का? जी बिल्कुल, ये एक पायलट हम शूट कर रहे हैं दूरदर्शन के लिए। जैसे आपने कहा कि मैं हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि नागिन मैं कर रही थी जिसमें मैं नेगेटिव कर रही थी, लेकिन इसमें हार्डकोर पॉजिटिव कर रही हूँ, बिकॉज लोग अक्सर मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं कि हर बार आप नेगेटिव क्यों करती हैं। तो जब हम पॉजिटिव रोल करें तो बहुत ही एक ऑथर बैक रोल की ज़रूरत पड़ती है, एंड दिस कैरेक्टर इज़ एन एब्सोल्युटली ऑथर बैक कैरेक्टर, जिसमें हम वी टॉकिंग अबाउट इमेंसिपेशन ऑफ वुमन, स्ट्रेंथ ऑफ वुमन। हमारा यही मानना है कि औरत जो है वो उन्हें हम शक्ति का रूप मानते हैं। तो हर बार जब भी ऐसे कोई भी इंसिडेंट हो जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि हम औरतों को ख़त्म कर सकते हैं, वो एक ऐसा पॉइंट है जो ट्रिगरिंग पॉइंट जिसे हम कहते हैं, जहाँ औरत खड़ी होती है, अपनी लड़ाई खुद लड़ती है। सो दिस स्टोरी इज़ बेसिकली ऑल अबाउट दैट। इट्स अ स्टोरी अबाउट अ मदर एंड अ डॉटर रिलेशनशिप के बारे में है, जहाँ माँ अपनी सारी सिद्धांतों को अपनी बेटी को देती है, एंड शी वॉन्ट्स हर। हम आजकल जो हम कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो हम नारा लगा रहे हैं, जो नारे हम लोग लगा रहे हैं, वो बिल्कुल उसी पर आधारित है, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन। हमारे प्रोड्यूसर है विनोद कुमार जी, एंड इट्स RV प्रोडक्शंस, कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, इट्स एन एक्सेलेंट सब्जेक्ट। तो मैम आज क्या शूटिंग की जा रही है, जिस तरह से आप हैं और आप किस लुक को लेकर क्या कहना चाहेंगे जो आपका लुक है? वेल एक्चुअली अगर हम कहें तो पायलट का जो क्लाइमैक्स है, जहाँ पर मेरी बेटी को किडनैप किया गया है और मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए यहाँ आती हूँ, और विलन्स कोई और नहीं, घर के ही लोग हैं, ताऊ जी हैं जो मतलब मेरे हस्बैंड के ब्रदर के जो ब्रदर जो ये सारे कांड कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें ये विरासत चाहिए। बस एक विरासत की लड़ाई है, लेकिन इस विरासत को बचाने के लिए दो औरतें कैसे इस विरासत को बचाते हैं, दैट इज़ द स्टोरी। और लुक के बारे में अगर हम कहें तो एब्सोल्युटली चूँकि ये कहानी बनारस में बेस्ड है, तो इट्स अ UP लुक, और मैं वीडियो प्ले कर रही हूँ। बहुत ही सात्विक औरत है जो मंदिर की मेन ट्रस्टी है, जो मेन ओनर है, तो अगर उस लुक की हम बात करें तो बहुत ही पायस लगता है, एंड इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर। मैम एक कलाकार के लिए कोई भी कैरेक्टर हो, कोई भी किरदार, वो हर निभाते, और आप भी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, आप हर किरदार को बखूबी लोगों के सामने उस फेस को, उस वो चेहरा आपके लोगों के दिमाग में बन जाता है, तो आप किस तरह के किरदार को ज़्यादा पसंद करती हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव? करना तो आप सब करती हैं, लेकिन कौन से किरदार को करके आपको ज़्यादा खुशी होती है? मैं वो कैरेक्टर्स करना चाहती हूँ जो पॉपुलर हो जाए, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, डजंट मैटर। इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम हमारे चैनल्स की बात करें, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब अगर कोई भी इफ़ यू सी दी ऑडियंस बहुत इन्फ्लुएंस्ड है कुछ कैरेक्टर्स को लेके, कुछ स्टोरी लाइंस को लेकर, तो मेरा यही मानना है कि अगर हम इस माध्यम को, इस मीडियम को सोसाइटी के रेफॉर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मीडिया। आपने बताया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, पीएम मोदी भी ये बात कर रहे हैं। आजकल देखा जाए तो लड़कियों के साथ काफी कुछ ऐसे केस सामने आते हैं, उनको जस्टिस की मांग की जाती है और कहा जाता है सरकार गलत है, ये कानून सही नहीं है, काफी कुछ बातें उठती है, क्या कहना चाहेंगे मैम किस तरह से, मतलब क्या कुछ है कि जिसकी वजह से ये सब चीजें सामने आती है? सी मेरा यही मानना है कि हर बार हम गवर्नमेंट की ही बात करते हैं, सी इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रहा है, हम गवर्नमेंट के लिए या हम हिंदुस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। एक सवाल हम अगर अपने आप से भी पूछे, जिसका जवाब आज भी हमारे पास नहीं है, हम सिर्फ जब कोई एक कांड होता है तो हम एक हफ्ते तक उसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम उसे भूल जाते हैं। देयर इज़ नो एक्शन। अब ज़रूरत है कि लोग एक्ट करें किसी चीज़ को लेकर, या किसी जस्ट फॉर द सेक ऑफ TRPs हम बैठ कर डिबेट करते हैं, डिबेट पे डिबेट किए जाते हैं जिस पे कोई कंक्लूजन नहीं है। दिस इज एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम। वी एक्चुअली हैव टू स्टार्ट एक्टिंग एंड स्टॉप ऑल दिस। थैंक यू मैम। एक आईडी